जी झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ नहीं था उनसे, बस ऐसे ही फोन किए, कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, डिवोर्स देंगे, तुम तलाक कर लो, कोई और शादी कर लो। मैं बोली मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तुम्हीं के साथ रहूंगी, तुम्हारी साथ रहूंगी। तो वो बोले कि हमें नहीं रखना है, इतना कहकर फोन रख दिए। तो मैं अपने पापा जी को भेजी थी उनके घर पे बात करने के लिए, पापा जी जाइए आप बात करिए, देखिए क्या कह रहे हैं। तो वहाँ पापा जी गए, गाड़ी रोक दिए सब, और फिर वहाँ से पापा जी घर पे आए, हमसे बात किए, हमसे बताया ऐसे ऐसे बात है। तो हम बोले पापा जी आप हमें लेकर चलिए, उनके घर पर छोड़ दीजिएगा, आप चले आइएगा। पापा जी लेकर गए हमें, वहाँ छोड़ दिए और चले आए वहाँ से। उनके घर पे गई थी, वो सब मुझे मारे पीटे गाली गलौज सब दिए, सास मेरे ससुर मेरी ननद उनके भसुर सब कोई मुझे मारा पीटा वहाँ से। मैं वहाँ बहुत लाचार थी, अब कुछ नहीं पहले काफी एक वीडियो वायरल होता है ज्योति मुड़े और लोक मुड़े को लेकर, उसमें लड़कियों को बहुत गलत धाराया गया और बताया गया कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं वैसी होती है। लेकिन एक लड़की जो लड़के का यहाँ पे आप लोग बात सुनी हुई है, जो एक लड़का एक लड़की के रखने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 2 साल पहले रिलेशनशिप में रहता है, उसके बाद लड़की जो सोशल मीडिया पर मजबूरन आकर वो बोला कि आप तुम जाओ थाने पे, चौरखास थाना चला गया, वहाँ पे जाओगी तो शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर सकेगा। तो मैं वहाँ थाने पर गई थी, थाने पर वहाँ कंप्लेन दी, तो वहाँ मैं बैठी थी 6 बजे तक, मेरे ससुर के पास फोन पे फोन आ रहा था, ना फोन उठा रहे थे ना जा रहे थे। तो फिर वहाँ से लोग पुलिस भेजे, बोले कि जाइए घर पे और देखिए क्या बात है, कहा कि फोन उठा रहे हैं लोग। तो वो फिर आए, ये बुला कर ले गए उन सबको, फिर वो गए तो वो बोले कि ठीक है हम आज ले जा रहे हैं इस लड़की को। और उसी दिन बकरीद था शायद, तो उस दिन छुट्टी रहती है थाने की, तो बोले अगले दिन आइएगा आप लोग, अगले दिन बात होगा। तो वो बोले कि इस लड़की को हिफाजत से ले जाइए और अपने घर पर रखिए। तो मेरा ससुर अपने घर पर नहीं रखा, मुझे किसी और के घर पर लेकर गया, रखवा दिया 2-3 दिन। और फिर जब थाने बुलाहट आई तो वो आया नहीं, मैं गई थाने पे, थाने वाले कह रहे हैं कि वो आने से मना कर रहे हैं लोग, तुम महिला थाने पे चली जाओ। तो मैं महिला थाने पे वहाँ से गई थी, वहाँ महिला थाने पे भी रिपोर्ट दी, वहाँ कंप्लेन की, तो वो कह रही है कि तुम अगले दिन आना। तो फिर मैं सोची अगले दिन आऊँगी तो मैं कहाँ रहूँगी अकेली लड़की रात में, फिर मैं उन्हीं के घर पे गई जहाँ वो रखवाए थे लोग। तो फिर उनके पास फ़ोन करके वो कह रहे हैं कि तुरंत जब कहानी घर से चल गल गया तो भगा दे, खाए रख ले घर में, कुछ हो तो तेज अंदे तो काम जानी। तो वो सब मेरी लाचारी को समझे, दया आया उनको, मुझे अपने घर पे रखे। उस दिन मैं फिर थाने पे गई थी, बुलावा आया था, मेरे मम्मी पापा को भी बुलाया गया, मेरे मम्मी पापा बारिश में भिजते हुए गए थे पूरा, और वो आने से मना कर दिए लो। वो लगता है आए थे घर पे रास्ते में, वो बुलाकर उन्हें पैसा दे दिए लो थाने पे, महिला थाने पे, और वो पैसा लेकर चुप हो गए, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से बोले कि अब तुम जाओ, जहाँ जाना है तहाँ, हम नहीं जानते हैं, लड़का नहीं आ रहा है। तो फिर मैं वहाँ से गई गोरखपुर, जो गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ योगी आते हैं हर बुधवार को, तो मुझे पता था कि वो बुधवार को आते हैं। मैं वहाँ गई तो वहाँ उनसे भेंट नहीं हो पाया, वहाँ द्वारका तिवारी बैठते हैं, तो मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई, बातें बताई, वो बोले ठीक है हम फ़ोन करते हैं, कोई कार्रवाई किया जाएगा। तो वहाँ नंबर दी, मैं फ़ोन की, बात भी हुआ, फिर वो बोले अगले दिन आना। तो अगले दिन मैं वहीं रात भर उसी मंदिर में थी, और सुबह में जब फ़ोन गया इनका तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं लोग। तो वो बोले कि बेटा आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, अब क्या करे लो, अब आप जाओ, जब फ़ोन उठाएंगे तब हम बुलाएंगे। तो मैं वहाँ से यहाँ अपने घर पे आ गई, और कहीं भी किसी भी थाने पे कहीं भी जाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हर जगह वो पैसा दे दे रहे हैं, और मैं गरीब लड़की, गरीब घर की हूँ, मैं कहाँ से उतना पैसा लाऊंगी कि दूंगी उन सबको। कितना दिन पहले आप शादी किए थे? मैं उनसे 2 साल पहले शादी की थी, 6-10 को शादी हुआ था हमारा, अक्टूबर में। जब आपका शादी हुआ था तो आपके घर वाले तो खुश थे, क्या उनके घर वाले खुश थे उस टाइम? जी उनके घर वाले भी सब कोई खुश था, तभी तो उनके मामा जी का लड़के आए थे, वो आए थे, उनके मामा जी आए थे, मामी जी आई थी, बस उनके मम्मी पापा ही नहीं आए थे वहाँ पे। इसके मतलब उनके मम्मी पापा वहाँ पे नहीं गए, जिसमें वो राजी नहीं थे शादी के जी, लिए। जी मम्मी पापा जैसे वहाँ जाति विवाह भी का झगड़ा चलता है, इसी की वजह से वो नहीं आए वहाँ पे, जैसे पर्दार पर्दार का झगड़ा है, उन सब का झगड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं आए। तो उनके साथ अभी कितना दिन रही हैं? मैं उनके साथ 3 साल से रह रही हूँ, अभी तीसरा चल रहा है। कि अभी कभी झारमेटा से पहले कभी ससुराल गई थी, अपना उनके घर पे रही थी कभी? जी मैं उनके घर पे गई थी, तभी तो मुझे वहाँ सब मारे पीटे सब वहाँ से भगा दिए। कितना दिन गई थी पहले? मैं 3-4 दिन पहले ही उनके घर पे गई थी। तो 3-4 दिन भी गई तभी उनको घर पे एक्सेप्ट नहीं करे थे लोग, इसके मतलब लड़के के मम्मी पापा जो थे वहाँ पे राजी नहीं थे शादी के। जी तो फिर वो लड़का जो जिनसे शादी हुआ वो क्या बोल रहे हैं? वो लड़के को भगा दिए हैं लोग घर से, ताकि ना लड़का रहेगा, ना बाजार लगेगा, ना वो लड़का आएगा, ना ये लड़की रहेगी घर में।
उस लड़की के ऊपर दबाव दे रहे हैं लोग कि तुम मत रखो मत रखो, इसलिए ये सब हो रहा है। लड़के से कभी बात हुआ आपसे? लड़के से बात मुझे जिस दिन थाने पे आया था उसी दिन का बात हुआ, और फिर अब बात नहीं हुआ है उससे। लड़के उस टाइम क्या बोले? जब लड़का उस टाइम हमें रखने के लिए थाने पे जब कह रहा था तो उसके जीजू थे तो ऐसे गर्दन हिला रहे थे, कह रहे थे कि रखिए मत ना तो काट के तुरंत फेंक दे, तो वो डर के मारे कह रहा है कि ठीक है हम नहीं रखेंगे। वहाँ थाने में बोल दिया कि आपको थाना पुलिस करना है, जेल भिजवाना है, भिजवाइए, हम लड़की को नहीं रखेंगे। वहाँ पे जो लड़का था वहीं पे मना कर दे कि हम नहीं रखेंगे? जी, वहीं थाने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे, और फिर वहाँ से उसकी जमानत हुई और वहाँ से उसकी जीजू लेकर चले गए। मैं फ़ोन की रास्ते में उसके जीजू उठाया, कह रहे तुरा समझ में ना वाला जब खिला कौन तरह रख, और ऐसे करके फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, और अब तक ना फ़ोन खुला है ना उनका पता लग रहा है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या पता उन्हें अच्छे से रखे हैं लो या फिर कुछ कर दिए हैं लो, वो उनकी मम्मी पापा की थी है। देखिए बता दें सोशल मीडिया पर कुछ नहीं पाया था, काफ़ी एक वीडियो वायरल होता है ज्योति मुड़े और लोक मुड़े को लेकर, उसमें लड़कियों को बहुत गलत धारा आएगा और बताया गया कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं वैसी होती है। लेकिन एक लड़की जो लड़के का यहाँ पे आप लोग बात सुनी हुई है, जो एक लड़का एक लड़की के रखने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, 2 साल पहले रिलेशनशिप में रहता है, उसके बाद लड़की जो सोशल मीडिया पर मजबूरन आकर गुहार लगा रही है, तो अभी वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या बोले वहाँ के जो रहने वाले हैं? वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो बोले कि मुकदमा लिखवाइए, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। ये बताइए जब लड़का थाने पर जा रहा है तो ना लड़के को डरा रहे हैं ना धमका रहे हैं ना उसे कुछ कह रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना मानेगा। जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाएगा तब तक लड़का मानेगा ही नहीं, और ये प्रेशर दे नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पापा जी उन्हें पैसा दे दे रहे हैं वहाँ पे जाके। जी, तो लड़का क्या आपके साथ रहने के लिए खुश है? खुश आप बोल रखने के लिए वो लड़का? जी, लड़के का पूरा मन है कि मैं उस लड़की को रखूंगा अपने साथ, पर वो किसी के दबाव में नहीं रखने के लिए राजी है। उसके जीजू उसके दीदी सबसे डेंजर हैं लोग। अच्छा, वही लोग? हाँ, वही लोग कह रहे हैं कि ना रखे तो दूसर ब्याह शादी कर रहा है। अभी लड़के का नंबर वंबर कुछ नहीं है आपके पास? जी, लड़के का नंबर है पर स्विच ऑफ है, उसको फोन नहीं लग रहा है। उसे फोन नहीं लग रहा है जी। तो अब क्या अभी क्या चाहती करवाई क्या चाहती है अभी? जी, करवाई यही चाहते हैं हम कि लड़के को खोजा जाए, उसे बुलाया जाए, हमारे सामने लाया जाए, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उसके बाद की बात होगी। अगर वो बोलते हैं कि आपको नहीं रखेंगे फिर तो आप क्या करेंगे? जी, उसके बाद जब बोल देगा कि हम नहीं रखेंगे तो मेरी पूरी दूसरी का शादी का खर्चा पूरा उठाएगा वो। हाँ। जितना लगेगा 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना लगेगा उतना लगाएगा वो। जी, और जो लव मेरे शादी की उसमें आपका कितना खर्चा लगा था? जी, जो लव मेरे जब शादी किए थे उसमें हमारा 85,000 रुपया लगा था जी पूरा। तभी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे इस सब मामला आप लोगों को भी दिखने को मिल रहा है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं पुलिस प्रशासन और यहाँ की जो उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ से मैं गुहार करूँगा कि बेचारी लड़की जो मजबूरन सोशल मीडिया पे इनको आना पड़ रहा है, इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर से मिलता हूँ।